नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आपको सभी को, पूरे देशवासियों को, मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धनतेरस की जब बात आती है तो धन की बात आ जाती है, मनी की बात आ जाती है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पांच चीजें आपने अपने घर में क्या लानी है। 23 तारीख को पड़ने वाली ये धनतेरस आपके जीवन में हमेशा खुशियां बना करके आए, हमेशा आपको सुख और समृद्धि दे, स्वस्थता दे और साथ के साथ धन की वर्षा तो करते ही रहे। अब पांच चीजें तो हमने कह दिया कि ये चीजें आपने अपने घर में लानी है, लेकिन समय भी बता दिया था, पर हमने ये नहीं बताया था कि उसका टेक्निक, तरीका क्या है। इसीलिए, क्योंकि अगर हम उसमें बताते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए या तो आपने इस नए जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि पांच चीजें आपने कौन कौन सी अपने घर के अंदर लानी है। जो तरीका है अपने घर के अंदर पांच चीजें लाने का, वो कौन सा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर घर की आती है या कोई भी चीज हम शुभता की अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं तो उसे खास तरीके, खास अंदाज से लाना चाहिए। कहते हैं अगर शुभता की चीज शुभता के अंदाज में लाई जाए तो चार चांद लग जाते हैं उस शुभता में और कई गुना बढ़ जाती है वो शुभता। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले हमने कहा था कि कुबेर यंत्र जरूर लाइएगा, क्योंकि सारे लोग ज्यादातर पूछते हैं कि हमें कुबेर यंत्र कब अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 100% आपको धनतेरस या फिर दीपावली के दिन ही करना चाहिए। बीच में भी कुछ समय निकलते हैं, जब कोई भी समय नहीं बचता है तो हम लोग बताते हैं कुछ शुभ मुहूर्त देख करके कि उस समय कुबेर यंत्र अपने घर में लाया जाता है। लेकिन जब एक विलक्षण योग ही आ रहा है, संयोग ही आता है, पर्टिकुलर कुछ खास चीजों का समय आता है, तो उस समय अगर हम इन चीजों को करते हैं तो और भी ज्यादा लाभ मिल जाता है और तरीका बहुत आसान हो जाता है। अब जब पहली चीज की बात हमने कही कि कुबेर यंत्र धन कुबेर के दिन आप जरूर लाइएगा, यानी ये धन कुबेर का दिन होता है त्रयोदशी तिथि, और वो भी बड़ी उत्तम त्रयोदशी तिथि, धनतेरस जिसे हम कहते हैं, और ये तिथि ही अपने आप में विलक्षण योग लेकर के आती है। माने कि और भी कई सारी चीजें हमें जुड़ती हैं, कुछ ऐसे काल जुड़ जाते हैं जिसमें हम चीजें नहीं कर पाते हैं, बट उसमें शुभ काल जो होते हैं उसमें आप हर चीज को कर सकते हैं। हमने मुहूर्त भी बता दिया था कि आपको कितने बजे ये चीज लानी है, लेकिन फिर भी हम इसमें भी रिपीट कर देंगे। बट पहले बात कर लेते हैं कुबेर यंत्र की। लाल कपड़े में आप नया कपड़ा खरीद लीजिए, जरा छोटा सा टुकड़ा, या फिर उसी समय खरीद करके ही लेकर के आइएगा। तो खरीदने क्या चीजें थी वो हमने बता दिया। कुबेर यंत्र को आपने लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के अंदर लाना है, और लाल कपड़े में जब कुबेर यंत्र को आप रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपने सिंदूर का छींटा जरूर कर देना उसके ऊपर, यानी तिलक की तरह कह सकते हैं, या फिर स्प्रेड भी कर सकते हैं। और ये शुभता का रंग होता है, वैसे जितना स्प्रेड किया जाए उतना ही बड़ा शुभ माना जाता है। तो आपने लाल कपड़े के अंदर कुबेर यंत्र रखना है और उस पर थोड़ा सा आपने सिंदूर या फिर रोली का थोड़ा सा सूखा स्प्रेड कर देना है, फिर उसे बांध करके आपने अपने घर में लाना है, और फिर आपने मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर इसे किसी पवित्र स्थान पर भी रख सकते हैं। दूसरी चीज हमने कहा था कौड़ियां। कौड़ियां आपने अपने घर में जरूर लानी है, बिल्कुल लानी है आपने। लेकिन इसकी टेक्निक समय आपको थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगी, फिर से रिपीट करूंगी, लेकिन एक समय है जो जिसमें ये चीजें नहीं लानी है, वो ध्यान भी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हम अच्छी चीज का पता चल जाता है, लेकिन जो साथ में कनेक्टेड कुछ समय काल ऐसे हो जाते हैं कनेक्टेड जहां इन चीजों को लाने से परहेज करना चाहिए, वो समय का भी खास करके ध्यान रखिएगा। कौड़ियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कौड़ियां बहुत जरूरी है। कौड़िया लक्ष्मी का साक्षात वरदान होता है आपके लिए, तो कौड़िया आपने पीले कपड़े में बांध करके ही लानी है। यानी ऐसे कई बार हम उठा के लिफाफा उठा ले लेते हैं, जैसे कागज में रैप होती है या कहीं भी आप ऐसे चीजें उठाते हैं तो ले आते हैं आप उठा करके, बट अगर आप उसे पीले कपड़े में डाल करके लाते हैं तो माता रानी तो बड़ी पसंद होती है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन साथ के साथ धन कुबेर भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कुबेर देवता तो आपके घर में बरसात करते हैं धन की, और आपकी कोई भी इच्छाएं होती हैं, जैसे जिस भाव से हम कोई चीज अपने घर के अंदर लाते हैं वो भाव हमारा बिल्कुल एकदम स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी जहां होती है वहीं सफलता होती है। ध्यान रखिएगा, जहां आप डेलीमा में रहते हैं, करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, जाए नहीं जाए, आए नहीं आए,
तो ये आए नहीं आए जाए जो ये राहु भाई साहब जो है ना, ये बहुत आपको गुमराह करते हैं। क्लियरिटी, हर चीज में क्लियरिटी रखिए, ये करना है तो मीन्स करना है। तो आप इस काम को जब इस शिद्दत से करते हैं कि ये हमारा काम होना चाहिए और हम इस कारण से ये सारी चीजें जो लक्ष्मी के प्रतीक मानी जाती है, जो धन कुबेर के प्रतीक मानी जाती है, तो उन्हें अगर आप अपने घर के अंदर ला रहे हैं तो उस भाव से लेकर के आइएगा। पीले कपड़े में आपने कौड़ियां लेकर के आनी है। अब आते हैं, हमने कहा कि झाड़ू जरूर लाइएगा और 100% लाइएगा, झाड़ू जरूर लेकर के आना है आपने झाड़ू। और इतना इंपॉर्टेंट होता है इस दिन झाड़ू लाना, आपके घर में पूरा साल सुख रहते हैं, आपके घर में समृद्धि रहती है। तो झाड़ू को आपने कभी भी ऐसे एकदम से उठा करके सूखा नहीं ले आना है, क्योंकि आप जिस भी चीज को ला रहे हैं इस कामना से ला रहे हैं कि हमारे घर में धन वर्षा हो, और उसे शुभ क्यों नहीं कर रहे। आपने लाल कलावा ले लीजिए, कलावा जैसे ये हाथों में बांधा है मैंने, लाल पीले रंग का होता है, लाल पीले रंग का भी यूज करते हैं, खाली लाल रंग का भी यूज कर सकते हैं, और या फिर लाल रंग का धागा ले सकते हैं आप। तो आपने झाड़ू को जहां से पकड़ करके गृहिणियां ये झाड़ू मारती हैं, चलाती हैं, यानी अगली साइड नहीं पीछे वाली साइड जहां से पकड़ा जाता है झाड़ू को जलाने के लिए या मारने के लिए अपने घर में सफाई के माध्यम के लिए, तो आपने वहां पर कलावा या फिर आपने लाल रंग का धागा बांधना है, क्योंकि जब जब आप उस झाड़ू का प्रयोग अपने घर में रहे वो शुभता आपके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए। तो इससे होगा आपके घर के अंदर धन ही धन, खूब सारा धन, खूब सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी और घर में सुख भी बने रहेंगे। घर के अंदर का जो वातावरण है वो काफी खुशहाल रह सकता है इससे। तो आपने जो कलावा बांध करके, कलावा भी बोलते हैं इसे, कलावा बांध करके झाड़ू ही आपने अपने घर में लाना है। ऐसे सूखा झाड़ू एकदम से डायरेक्ट उठा करके नहीं लाना है। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आपने मैडम ने इतनी सारी चीजें बता दी है, लेकिन पात्र का कुछ नहीं बताया कि बर्तन भी लाया जाता है। अब आया उसका समय, चीजें पांच ही है लेकिन पांचवी चीज को किस में लेकर के आना है। धान की बात मैंने करी थी आपसे कि या तो चावल या फिर गेहूं, इन दोनों में से, क्योंकि चावल की बात करते हैं तो चंद्रमा का कारक बन जाती है और अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो सूर्य का कारक माने जाते हैं। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ग्रहों में राजा और रानी प्रसन्न हो जाए तो प्रजा वैसे ही प्रसन्न रहती है। तो चंद्रमा अगर आप चावल ला रहे हैं तो आपने किस पात्र में लेकर के आना, अगर गेहूं ला रहे हैं तो किस पात्र में। बर्तन ले सकते हैं, कलश ले सकते हैं, यानी धन्वंतरी की जब हम बात करते हैं, धन्वंतरी देव जो थे, आयुर्वेदा को एक नई रूपरेखा दी है धन्वंतरी। आयुर्वेदा के कारक माने जाते हैं वो, चिकित्सकों के कारक भी माने जाते हैं। तो आपने जब ये चीजें लानी है साथ में, अगर आप चावल लेकर के आ रहे हैं तो आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर चांदी का छोटा सा बर्तन लेकर के उसके अंदर भी चावल डाल करके ला सकते हैं तो बहुत शुभ है। या फिर आप गेहूं लाना चाह रहे हैं, तो अगर आप गेहूं ला रहे हैं तो या तो पीतल का कलश हो, पीतल का कोई बर्तन हो, गिलास हो, बाउल हो, कुछ भी जो भी आप पात्र अपने घर में लाना चाहते हैं तो वो लेकर के उसके अंदर ही आपने इन चीजों को डाल करके लाना है। लेकिन दोनों में आपने सिक्के जरूर 8 डाल देने हैं। अगर आप चावल वाला पात्र ला रहे हैं, चांदी का पात्र है या फिर स्टील का है तो उसमें भी सिक्के रख लीजिएगा। अगर आप गेहूं ला रहे हैं तो पीतल का पात्र है तो उसमें भी आपको कुछ सिक्के, यानी 8 सिक्के रख करके ही आपने अपने घर की दहलीज पार करानी है इन चीजों को। फिर आती है कुबेर पोटली। कुबेर पोटली तो कुबेर देवता को सबसे ज्यादा पसंद है, जरूर रखनी चाहिए, बाजार से बनी बनाई मिलती है आजकल। आपने कुबेर पोटली आपने देख लीगा किसी भी कलर में हो, लेकिन आपने उसे पीले कपड़े में बांध करके ही अपने घर में लाना है और वो पीला कपड़ा आपने अपने पूजा स्थान पर रखना, उसका भी बड़ा देवीय प्रयोग होता है। तो वो कपड़े के अंदर ही रंग कोई भी हो पोटली का, उसे आपने पीले कपड़े में ही बांध करके अपने घर के अंदर लेकर के आना है। ये 5 चीजें आपने अपने घर में लानी है,
जिससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, सुखों की कमी नहीं होगी और कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। मुहूर्त हम आपको पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:18 से लेकर के दोपहर 3:04 का। इस बीच में अगर आप इन चीजों को इस तरीके से, इस अंदाज से लाते हैं तो आपने अपने घर में मान लीजिए शुभता ही लेकर के आए हैं। अब आती है बात की, हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि आपने राहु काल को छोड़ देना है और राहु काल छोड़ते ही आपके जीवन के अंदर बहुत सारी सुख समृद्धि इकट्ठी हो जाएगी। वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और मेरी हर वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि हर वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर के आएगी इस बार। और आपने इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, दूसरों को जरूर भेजना है, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।